आपको बताते हैं, शमी वृक्ष की जानकारी देते हैं। ये जो आप शमी वृक्ष देख रहे हैं, ये बहुत दुर्लभ वृक्ष माना जाता है। इसमें जो फूल लगते हैं वो 9 सालों के बाद आता है। ये भगवान शनि महाराज को प्रिय है, ये भगवान नारायण को भी प्रिय है, इसमें शंकर का भी रूप माना जाता है। इसके जो ये आप पत्तियां देख रहे हैं, वो आप शिवलिंग पे चढ़ाएंगे तो आपको मनचाहा वरदान मिलेगा। इसके फूल जो आप ये देख रहे हैं, ये दुर्लभ फूलों में से एक है। ये 9 सालों के बाद इसमें आते हैं। ये वृक्ष आप, इस वृक्ष की पत्तियां आप भगवान नारायण को भी चढ़ा सकते हैं, शनि महाराज को भी चढ़ाते हैं तो सारे साथी में राहत मिलती है। गणपति जी को चढ़ाने से आपको बुद्धि मिलती है। दुर्गा जी को इसके पत्तियां फूल चढ़ाने से आपको साहस मिलती है, आपको यश मिलता है, आपको मान सम्मान मिलता है। ये बहुत पवित्र वृक्षों में से एक माना जाता है। इसके आप दर्शन करो, दर्शन करने से भी, इसमें जल चढ़ाने से भी सारे साथी में राहत मिलती है। ये बहुत पवित्र वृक्षों में से एक है। कुछ लोगों ने ये गलत वृक्ष शमी वृक्ष के नाम से बेच देते हैं। इमली का वृक्ष जो, क्योंकि इसकी पत्तियां आप जो ये देख रहे हैं, ये इमली के वृक्ष के समान होती है, तो लोग इमली का वृक्ष ही इसे शमी वृक्ष के समान बोल के बेच देते हैं। लेकिन वो इमली का वृक्ष घर में लगाना अशुभ माना जाता है। ये पवित्र वृक्षों में से एक है, आप इसका दर्शन करो। आप इसमें जल चढ़ाने से आपको सारे साथी में भी राहत मिलती है। इसका फूल 9 सालों के बाद आता है, इसका दर्शन कीजिए। ये इसके पत्तियाँ भी भगवान शिव, मैंने आपको पहले ही बताया, शिवलिंग में भी चढ़ाई जाती है, दुर्गा जी को भी चढ़ाई जाती है, गणपति जी को भी चढ़ाई जाती है, नारायण का भी ये स्वरूप माना जाता है। तो आप इस पवित्र पेड़ का, वृक्ष का दर्शन कीजिए।